बहुत रिक्स है, लेकिन फिर भी 1000 रुपया कैमरा। इसको जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने और दिखाते हुए आप लोग को, ये तब तक ये भैया निकाल ही रहे हैं। असल निकालिए इसको। ओके, बॉक्सिंग अभी हो रहा है, देख लीजिए अनबॉक्सिंग क्या अभी रिवील हो रहा है, कैसा दिखेगा। बाइक में लगेगा तो ही पता चलेगा फाइनली। इनका सेलिब्रिटी जो तुमको देखता है, साउंड से देखता है कौन आ रहा है, कौन राइडर है। थोड़ा थोड़ा काम बच गया था, देखते आप लोग टाइम 8:22 अभी यहीं पे है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि कंटेंट क्या है, मेरा बाइक किराए पर आया हुआ है एक्चुअली, कल ही हम रिसीव किए हैं। ये आप लोगों को दिखाते हैं और प्राइज सब जितना भी है आप लोग को हम सबसे लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस में रखेंगे। और जैसे कि आज रक्षाबंधन है तो बहुत सारा दुकान खुला भी नहीं था, तो उसके कारण इधर उधर बहुत फ़ोन दौड़ाए, तो विजय भैया से बात हुआ तो उन्हीं के घर साइड ये काठीटांड साइड एक शॉप खुला है नया, तो उन्हीं के जान पहचान का वो है शॉप वाले भैया, तो वहीं पे जा रहे हैं, निकले हुए हैं। देखिए आप लोग दिख रहा होगा अभी रिंग रोड में है, मेरा घर इधर ही अंदर में है और मेरे साथ है ट्रैफिक इसमें सर, तो हम लोग दोनों साथ में जा रहे हैं। इसको हम साथ में ले जा रहे हैं क्योंकि ये पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको ले कर नहीं जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ में जा रहे हैं। ट्रैफिक इसमें सर बोले चलो बोल के तो साथ में जा रहा है और वहाँ चलते हैं। कितना लग रहा है रैप लगाने का हमको, मतलब इंस्टॉलेशन वो कितना ले रहे हैं वो पहले आप लोग को दिखाते हैं। ये रैप मतलब कैसा ये आया हुआ है, अभी ट्रैफिक इसमें सर करण के पास है और आप लोग को अभी दिखाते हैं। ये देखिए मोटोक्रॉस ग्राफिक्स, ये आता है पूरा ऐसा, ये पैक करके वहाँ से भेजते हैं, तो पैकिंग वैकिंग सारा अच्छा है। अभी इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किए हैं और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे डायरेक्ट वहीं पे जाके और फिर वहीं पे दिखाएंगे। और भाई ये जो रैप है ना, इसको ना हम सच बता रहे बहुत मिस करेंगे क्योंकि बहुत कोई अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। आप लोग देख लीजिए और कमेंट बताइए इसको चेंज करना चाहिए था या नहीं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज चेंज हो जाएगा, ये सारा निकल जाएगा। जल्दी प्यास लग गया तुमको, सुबह से खाया कि नहीं कुछ होता तो कहाँ ना खा खाया। अब ये तो राखी बंधवा के उठवे किए थे, राखी बंधवा के उठा था तो बंधवाइए रहते कॉल आया तो कार के फ्लाई ओवर से थोड़ा सा पहले में है। ब्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमको भी आइडिया नहीं है कि मतलब कैसा लगेगा लुक, फाइनल लुक कैसा लगेगा तो हमको भी नहीं पता है और आप लोगों को भी नहीं पता है। अभी लगेगा तभी पता चलेगा कुछ। जैसे आप लोग देखिए अभी पिंटा ओवरब्रिज के नीचे में ये शॉप यहाँ पे कहाँ पे हमको पता नहीं है, तो विजय भैया बोले हैं 5 मिनट में हम आ रहे हैं तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। इनका सेलिब्रिटी जो तुमको देखता है, साउंड से देखता है कौन आ रहा है, कौन राइडर है। एक जोश लगवा लिया तो साउंड ना सुनेगा सब, वो तुमको छतरी बोलता होगा। ये देखो आ गया फिर से, तुमको बोलता होगा बहुत रिक्स है, लेकिन फिर भी 1000 रुपया कैमरा है, लेकिन रास्ता में चलते हैं ना तो आगे पीछे कुछ ऐसा दिखता है ना, ये कैप्चर हो जाता है, एक ग्रुप के तौर पर रहता है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग गलत नहीं दिख रहा है। बैटरी है और अभी हम और विजय भैया मिल गए हैं, उन्हीं का ये दोस्त है, शॉप पहुंच गए हैं श्री राम ऑटो। अरे हम अकेला नहीं, तुम मारेंगे ना अभी नहीं, थोड़ा गर्मी का मौसम आया दो ना। अरे सब शाम हो रहा है, डंपिंग आप उठेगा तब क्या मैं लगा दूँ, मन कर रहा ना लेते जाए लगा जाए अपना गाड़ी लेते जाए। डीबी क्लियर अभी याद करना चाहिए, लेते आते डीबी क्लियर, उसका साउंड आता है और डीबी क्लियर तो गाइस अभी देख लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं किल्टा ओवर ब्रिज के थोड़ा सा आगे में और ये रहा श्री राम ऑटो, ये है काठीटांड से पहले, तो जो होगा अभी यहीं पे होगा। तो गाइस अभी देखिए ये शॉप बंद था बट ये जो अभी रैप इसमें ये चलाएंगे वो जान पहचान के निकले। और ये देखिए यहाँ पे
दुकान का ओनर है उनका, वो तो जो अभी यहाँ पे शॉप हुए रेंट में शायद लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इनका तार लगा हुआ है। हम लोग के लिए दुकान खोल रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा इनका। अच्छा खासा यहाँ पे अंदर एक किया हुआ है, देख लीजिए इंटीरियर सब कुछ स्टॉक मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, हेलमेट से लेके और बाइक एक्सेसरीज ऐसे ऐसे खाली करते रहता है तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छा है। हजार जितना बैक है अंदर भी स्टॉक है, अंदर में दिखाते हैं आप लोग को। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ओपनिंग हुआ है ना, कल ही हुआ है। ओ माय गॉड, जम नहीं आता हमको, कल ही ओपनिंग हुआ है इसलिए ये सब देख लिए। चेयर वेयर यहाँ पे लगा, हमारे बड़े मालिक जुड़ चुके हैं। देखा ऊपर ला ये वाला, इसको निकालना ही पड़ेगा काहे कि पैनल निकालिए पुराना रैप तो उछल रहा है, पुराना उछल रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मिस करेंगे इसको बहुत। द इंस्पेक्टर मशीन ये करवाए थे, रखे थे नाम इंस्पेक्टर मशीन नाम से, और पैनल खोलेंगे ना, यही कितना खुश हो, खोल रहा है निकाल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा निकल गया है। और अभी इसको जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने और दिखाते हैं आप लोग को, ये तब तक ये भैया निकाल ही रहे हैं। असली निकालिए इसको, ओके इसको ईल पहले निकाल लेते, टेप कौन सा टेप, हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ठीक हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चल वैसे हम निकाले थे समझे, आया था तुरंत निकाल लिए थे। कैसा दिखेगा बाइक में लगेगा तो ही पता चलेगा फाइनली। कॉपीराइट लगेगा 155 सीसी हमने अपने से लिख के लिया। अरे तो स्पीड हंटर ये सब, ये स्पीड हंटर सब अपने से वो लिखा। अच्छा यहाँ पे है आईडी आपका, बहुत सही लगेगा। ये कहाँ का पार्ट आ गया, हाँ ये सब है, सब लगने वाला ही है, लेकिन अच्छा लगा जी, ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत सही है जी भी। अपना हेलमेट का देखिए और ऐसा है, लोअर मार के वो तो चिपका रहा है, इसका ऊपर एक लेयर है ना, क्या चीज़, इसका ऊपर हाँ इसका ऊपर लेयर, वही तो बोले था आपको, मेरा गाड़ी का दूसरा गाड़ी, इसका इसका ऊपर एक लेमिनेशन ऊपर किया हुआ है, इसीलिए बोला गया क्या, नहीं लेमिनेशन का कबाड़ी, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज वो करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ा क्योंकि पहले वाला जो रैप था उसको निकालना था, काफ़ी मेहनत की है भैया, देखिए जो स्टॉक में जो आया हुआ था कलर अब वो हो गया है, अच्छा तो नहीं लग रहा है बट थोड़ा देर के लिए ही सब है। अभी कितना टाइम लगता, अभी तो पहले ही पैनल हो रहा है और भी उधर वो देखिए उधर सारे लगे रखा हुआ है, टाइम भी देख लीजिए, टाइम अच्छा खासा हो गया लगता है, शाम हो जाएगा। पूरा तो नहीं हुआ है अभी, टाइम देखिए आप लोग, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, 6:13 शाम के 6 बज गए, आए थे वही एक बजे आसपास आए थे, बट काम हो ही रहा है, दोनों टंकी पैनल और दोनों साइड पैनल ये दोनों हो गया है, और
अंडरबेली पीछे का पैनल, ये दोनों बचा हुआ है अनमर गार्ड। बस थोड़ा सा खराब हो गया था और लाइट भी कट गया था, जिसके कारण काम भी नहीं हो रहा था, थोड़ा मोड़ा काम बच गया था। फिर देखते हैं आप लोग टाइम 8:22 अभी यहीं पे है और मेरा गाड़ी वहीं लगा हुआ है, उन्हीं के यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। और अभी मेरे साथ हैं सुभाष, तो इनको रूम ड्रॉप करेंगे इन्हीं की गाड़ी में, इन्हीं की गाड़ी लेके जाएंगे अपना घर। मेरा घर यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, थे वैसा हुआ नहीं, सोचे थे एक दिन में हो जाए कंप्लीट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हो जाएगा, कल तो कन्फर्म है कि सारा कुछ हो जाएगा। 10-11 बजे आके गाड़ी पिक कर लेंगे आप लोग से, फिर अगले दिन कल मिलते हैं। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने वो रात वाला मैं वो किया था कल रात में, कारण ये मेरा कंप्लीट हुआ नहीं, कम्प्लीट भी नहीं हुआ, लाइट भी कट गया था, तो ज़्यादा वेट हमने किए। तो अभी आ गए हैं, सुभाष का बाइक है मेरे पास, अभी लेने पिक करेंगे और फिर उनको फिर लेके जाएंगे वो शॉप, क्योंकि तो मेरा गाड़ी का साथ काम कम्प्लीट हो गया है। और आप लोग फिर जल्दी फिर उनको लेते हैं और फिर जा रहे होंगे कि आप लोग को दुकान में गाड़ी का काम कम्प्लीट हो गया है। और ये भैया यहाँ पे तिलता ओवरब्रिज थोड़ा सा पहले ये देखिए डंप यार्ड, यहाँ यहीं पास है इनका ये शोरूम बोले या फिर वही बोले एक्सेसरीज का शॉप, और बाइक रैप सर्विसिंग ये सब कुछ होता है इनके यहाँ पे। और अभी देखिए काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है इनके पास, तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो किसी चीज़ का मतलब ये नहीं होगा कि वापस जाना पड़ेगा, हर चीज़ अवेलेबल मिलेगा, फॉग लाइट जो जिनको करवाना हो करवा सकते हैं यहाँ पे, DRL का काम, हेडलाइट का काम, सर्विस तो मतलब काफ़ी अच्छा था इनका यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा भी लगा। एंड थैंक यू भैया, और अब जा रहे हैं, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो चलो फिर चलते हैं ना। सो ये रहा फाइनल लुक, आगे में नहीं करवाएं क्योंकि आगे में थोड़ा ज़्यादा भरा भरा हुआ लगता, इसमें छोटा सा ये कुछ लिखवा देंगे यहाँ पे, और ऐसा भाई काफ़ी सेक्सी लग रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को गाड़ी। और पीछे ये देखिए ये टैंक में ये इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि और मेरे यहाँ पे ये इसका ID लिखा हुआ है इंस्पेक्टर V3, जाके फोन भी कर सकते हैं। और ये पीछे से ऐसा, और यहाँ पे और जहाँ पे हम जो बाईपास करवाए थे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग था उसका, और देख लीजिए पूरा साइड में बॉर्डर से ये रेडियम मारा हुआ है। तो नो डाउट भाई पैसा लगा है, लेकिन मतलब जैसा हमको चाहिए था गाड़ी वैसा हो गया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसा लग रहा है, अभी आप लोग को बताते हैं इसका प्राइस हमको कितना पड़ा है। जहाँ से हम ऑर्डर किए थे उस टाइम ये 15 अगस्त का ये ऑफ़र चल रहा था, तो ऐसा नॉर्मल 3700-3800 लगता है, तो हमको उस टाइम पड़ा था इसका प्राइस हमको पड़ा पूरा रैप का, क्योंकि ये कस्टम वाला है, तो इसका हमको पड़ गया 3100। हाँ भाई, तो ये 3100 हमको पड़ा, और इंस्टॉलेशन चार्ज हमको 1000 पड़ा, तो वही 4100 पड़ गया मेरा टोटल 4100 पड़ गया। एंड फाइनल लुक इज हियर आप लोग के सामने है, तो भाई नज़र ही नहीं हट रहा है इतना, ये दिख ही रहा ना सेक्सी दिख रहा है ये इस साइड का, और इधर का दिखाते हैं आप लोग को। मंगवाए हुए थे ये सिलीगुड़ी से, ये रैप मेरा आया हुआ है सिलीगुड़ी से, तो आगे सिनेमेटिक शॉट का आप लोग मजा लीजिए, और ब्लॉग हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना एंड। होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मिलते हैं आप लोग से अगले बार, तब तक के लिए सबको बाय।